कर्नाटक में इस 10 साल में हमने ये संकल्प किया था कि हम कम से कम 3 लाख करोड़ के काम करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब 65,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और करीब 80 से 1 लाख करोड़ के काम ऑनगोइंग है और 1.5 लाख करोड़ के काम पाइपलाइन में, जिसकी घोषणा कुछ आज कामों की मैं करने वाला हूँ। आज बेलगांव में 6,900 करोड़ की लागत से बनने वाले 15 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी हो रहा है और 300 करोड़ की लागत के 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हो रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कर्नाटक के विकास में ये रोड बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैं कर्नाटक में 3 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं, करीब 80,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो करीब 90,000 करोड़ के हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ के हैं, जिसमें कर्नाटक बहुत विकसित होने वाला है। आज हमने 4,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 12 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया है, 1450 करोड़ की लागत से 5 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है। मैं चाहता हूं कि इस साल दिसंबर तक हम बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे पूरा करेंगे और बेंगलोर से चेन्नई की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी होगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूं। शिमोगा में जो नए नए रास्ते रोड बन रहे हैं उससे इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारा कर्नाटक के साथ हमारा देश प्रगति और विकास के हाईवे पर जोरों से दौड़ेगा। पथ बना हुआ है, अभी चलना ही है। पथ रचयिता का भी है, पथ प्रदर्शक भी है आपके सामने और आप में पथ में चलने की उम्मीद भी है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नितिन जी कोई भी काम लेते हैं ना, वो पूरी तरह से उसमें लग के करते हैं, उसमें कोई नुक्स तुम देख ही नहीं पाते। लोग बहुत चेष्टा करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकले तो निकलता नहीं, एकदम एकदम सही सही काम करते हैं। और देश में इतना कहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से लेके हिमाचल से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह आने यातायात इतना आराम हो गया, आराम हो गया ना भाई, कितना अच्छा हो गया है पिछले कुछ दिनों में। ये बहुत निष्ठा से ही होती है काम, निष्ठा से काम बनता है।